हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे एक मेडिसिनल प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये मकोए का प्लांट है और ये ऑरेंज मकोए है, इसको ऑरेंज बेरी भी कहा जाता है। ये ग्रीन होती है पकने से पहले और जब ये पक जाती है तो ये ऑरेंज कलर ले लेती है। एक इसमें ब्लैक कलर भी आता है और ये छोटे छोटे टमाटरों की तरह लगती है, लेकिन ये बहुत साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटी होती है। ये एक औषधीय गुणों से भरा हुआ पौधा है। जिसको शुगर हो वो इसके फ्रूट को ज़रूर खाए, और इनडाइजेशन में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। जिसको खाना ना पचता हो या फिर भूख ना लगती हो वो इसके फ्रूट्स को ज़रूर खाए। इसकी लीव्स, रूट, ये सभी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। कुछ लोग इसकी पत्तियाँ वगैरह खाना पसंद नहीं करते हैं, तो अगर वो खाली इसके फ्रूट को भी खाएँ तो भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसका मेन यूज़ लीवर में किया जाता है, जिसे लीवर की प्रॉब्लम होती है, लीवर की सूजन में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। जिसको खाना ना पचता हो, भूख ना लगती हो और लीवर प्रॉब्लम की वजह से उल्टियाँ वगैरह होती हो, इस तरीके इसके फ्रूट होते हैं, तो ज़रूर आप खाइए इसको। ये काफ़ी सॉफ्ट फ्रूट होता है इसका। ये इसका दूसरा कलर है जो ब्लैक होता है, इसको ब्लैक नाइट भी कहते हैं और ब्लैक नाइट शेड भी कहते हैं कहीं कहीं पर। ये ब्लैक कलर की बेरी है और ये भी काफ़ी मीठी होती है, तो इसे खाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये जहाँ कहीं भी दिखे आप इसे ज़रूर लेके आएं और अपने गार्डन में ग्रो करें। किडनी की प्रॉब्लम में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। चर्म रोग, जिसे स्किन डिसीज़, कोई भी प्रकार की स्किन डिसीज़ हो वो इसको इसके फ्रूट्स को ज़रूर खाए। और ये एक इजी टू ग्रो प्लांट है। इसके फ्रूट को आप कहीं से भी ब्लैक कलर या ऑरेंज कलर का फ्रूट इसका दिखे आप इसको तोड़ के लाएं और आप इसको गार्डन में भी डाल देंगे ऐसा कैसा ही, तो भी अपने आप से ग्रो हो जाएगी। और ये ख़त्म नहीं होती, ये लगातार हर सीज़न में अपने आप ग्रो हो जाती है। ये गर्मियों में फ्रूट देती है ज़्यादातर, और कहीं कहीं पे जाड़ों में भी इसमें फ्रूटिंग होती है। इस टाइप से इसके सीड्स होते हैं, तो आपको ये कहीं भी फ्रूट दिखाई दे आप ऐसे ही इस फ्रूट को लाकर डाल दें अपने गार्डन में, ये अपने आप से ग्रो हो जाएगी। आपको इसके लिए ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी होती है। और ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इसलिए ये आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। इसके फ्रूट खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, तो आपको इसको खाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और ये अपने औषधीय गुण आपको देती रहेगी। ये जगह जगह पे अपने आप ग्रो हो गई है हमारे गार्डन में। और जिसको नींद नहीं आती हो उसके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद है। हृदय रोग में, नींद ना आने में, चर्म रोग में, स्किन डिसीज में, किडनी में, भूख बढ़ाने में, पेट संबंधी किसी भी परेशानी में, पीलिया में, लीवर की सारी सूजन, उल्टी वगैरह जो भी होती हो उसमें, इंडाइजेशन में, शुगर में, ये सब में फ़ायदेमंद है। इसीलिए ये हर तरह से हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए आप इसको ज़रूर खाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू।